नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रैनो में। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य के गृह मंत्री बामंग फेलिक्स ने ब्लास्ट प्रूफ एलपीजी सिलेंडर का किया शुभारंभ। कहा, राज्य की आवश्यकता अनुसार उद्यम शुरू करके शिक्षित युवा दूसरों के लिए भी पैदा कर सकते हैं रोजगार के अवसर। भारतीय वायुसेना की स्थापना के 87वीं वर्षगांठ के रूप में आज मनाया जा रहा है वायुसेना दिवस। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने युद्ध स्मारक पर सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। देश भर में बुराई पर अच्छाई का प्रतीक विजयदशमी के पर्व का हर्षोल्लास। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विजयदशमी की दी बधाई। प्रधानमंत्री ने सुख शांति और समृद्धि की कामना। राजधानी क्षेत्र के नाहलगुन में कल आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री बामंग फेलिक्स ने ब्लास्ट प्रूफ एलपीजी सिलेंडर का शुभारंभ किया। निर्मल गैस द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदान किए जाने वाले फाइबर से बने हुए ब्लास्ट प्रूफ एलपीजी सिलेंडर पारदर्शी है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वरोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह निर्मल गैस एजेंसी के माध्यम से राज्य में 50 से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है, उसी तरह राज्य की आवश्यकता अनुसार उद्यम शुरू करके शिक्षित युवा दूसरों के लिए भी रोजगार का अवसर पैदा कर सकते हैं। इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लॉन्च्ड इन फर्स्ट टाइम इन ईटानगर इन होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये बहुत अच्छा चीज है, हमारा यहाँ सबसे आगे आया है। वैसे तो हम कभी बोलते हैं कि हर घर में हम लोग का गैस है, उसका मतलब कभी ये मानना है कि हर घर में हम लोग का घर में बॉम्ब भी है। अभी जो प्रेजेंट स्थिति में वो कभी भी एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने से जान चला जाता है या प्रॉपर्टी बहुत डैमेज होता है। इसका वजह से नमा मैडम को हम रिक्वेस्ट ये है कि होलिस्टिकली उसको लोगों को पहुँचाएं, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री का भी एक मिशन शुरू किया कि उज्ज्वला योजना जो सारा गांव में जितने भी औरतों को ये देना है बोलकर फ्री में देता है। अभी बहुत में हम लोग का शायद हम लोग स्प्रेड आउट अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में स्प्रेड आउट हो चुका है, तो उसमें भी सकने से पता नहीं क्राइटेरिया क्या है कि अभी ये जो ब्लस प्रूफ वाला उस योजना में घुस पाएगा नहीं पाएगा, उसको क्राइटेरिया को देख के उसको भी लॉन्च करा देना है। अच्छा चीज है, गाँव में भी कभी कभी कुछ ना कुछ कारण से आग एक्सीडेंट होता है, और अरुणाचल में खासतौर पे हम लोग अवेयरनेस होने का नहीं कारण से एक्सीडेंट जो है एवरी ईयर अरुणाचल इज ऑलमोस्ट ए फायर प्रोन एरिया है, हम लोग का फायर एक्सीडेंट का प्रोन एरिया है। केंद्रीय राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने कल राष्ट्रीय ई आकलन केंद्र और क्षेत्र ई आकलन केंद्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय ई आकलन केंद्र दिल्ली में स्थित हैं, जबकि क्षेत्रीय केंद्र मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली और हैदराबाद में खोले गए हैं। इन केंद्रों की स्थापना आयकर रिटर्न का ऑनलाइन आकलन करने के लिए किया गया है। इसके शुरू हो जाने से करदाताओं को आयकर कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। पेश है एक रिपोर्ट। फेसलेस असेसमेंट की शुरुआत हुई है, यानी करदाताओं को व्यक्तिगत तौर पर आयकर विभाग के दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और जो भी कार्रवाई होगी वो नेशनल ई असेसमेंट पोर्टल के जरिए होगी। करदाताओं को रजिस्टर्ड ईमेल और इनकम टैक्स के वेब पोर्टल पर लॉगिन करने पर नोटिस और सूचनाएं मिलेंगी, साथ ही टैक्स पेयर्स घर या दफ्तर से ही नोटिस का जवाब दे सकेंगे। जाँच का काम रैंडम तरीके से चुनी हुई टैक्स अधिकारियों की टीम करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो करदाता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी मिलेगी। वहीं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और बेंगलुरु में रीजनल सेंटर्स। फ्रॉम 1st of October वी ऑल आर अवेयर दैट एवरी कम्युनिकेशन हैज टू हैव द डिन नंबर। इफ एनीथिंग डजंट हैव अ डिन नंबर इट इज लीगली नॉट वैलिड। आई मीन इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ करेज फॉर अस फॉर द गवर्नमेंट टू से दैट लुक
If the DIN number is not there, then that notice or the communication or the letter is not valid, and people can just ignore this. I mean, this is something, again, greatest. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत का विकास संबंधी सहयोग शर्तों पर नहीं बल्कि चुनने का अधिकार की स्वतंत्रता पर आधारित है. उन्होंने कहा कि भागीदार देशों के साथ भारत का विकास संबंधी सहयोग समानता संप्रभुता के प्रति परस्पर सम्मान के साथ साथ चुनने के अधिकार पर आधारित है, न कि प्रतिस्पर्धा और शर्तों के ठोपे जाने पर. भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के 55 वर्ष पूरे होने पर कल नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा कि दक्षिण के देश भारत के लिए महत्वपूर्ण साझेदार है. इस अवसर पर जयशंकर ने अफ्रीका के लिए ई विद्या भारती, ई आरोग्य भारती, टेली शिक्षा तथा टेली मेडिसिन परियोजना की शुरुआत की, जो उनके मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है. थ्रू विच इंडिया प्रोवाइड्स कैपेसिटी बिल्डिंग असिस्टेंस to 160 partner countries. I'm also delighted to have launched the E-Vidya Bharti and E-Arogya Bharti tele-education and telemedicine project for Africa, which is one of the largest projects being executed by the ministry. This project will enable African students to access premier Indian education through the comfort of their homes and offer Indian medical expertise to African doctors and patients alike. India's relations with partner countries are based on the principles of equality, mutual respect for sovereignty, and freedom of action and choice. It is not based on competition, conditionalities, or prescriptions. It stems from the spirit of solidarity to enhance mutual learning for shared and sustainable growth. India believes in a shared future, an indivisible future of the world, and sharing of capacities leads to formation of professional and economic linkages, which in turn generate the ecosystem for co-creation. An economically and technologically connected world helps build bridges of friendship. भारतीय वायुसेना की स्थापना के 87वीं वर्षगांठ के रूप में आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है. भारतीय वायुसेना अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया के चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है. देशभर में वायुसेना के 60 केंद्र हैं. भारतीय वायुसेना का हिंडन केंद्र एशिया में सबसे बड़ा और विश्व का 8वां सबसे बड़ा केंद्र है. इसका आदर्श वाक्य है नव स्पर्शम दीप्तम, इसका अर्थ है गौरव के साथ आकाश को छूना. प्रधानमंत्री ने वायुसेना दिवस के अवसर पर एक ट्वीट में कहा है, गौरवशाली राष्ट्र वायुसैनिकों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ है. उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना पूरे समर्पण और उत्कृष्टता के साथ देश की सेवा करती रहेगी. वायुसेना दिवस के अवसर पर तीनों सेना अध्यक्ष आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक गए. वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने युद्ध स्मारक पर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की. पहला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला 11 अक्टूबर के बीच दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है. मेले का आयोजन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कृषि संगठनों के सहयोग से कर रहा है. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस मेले का मकसद ग्रामीण और कृषि समृद्धि को बढ़ावा देते हुए भारत और विदेशों में सहकारी व्यापार और सहकारिता को प्रोत्साहित करना है. उन्होंने कहा कि ये कृषि वस्तुओं और उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देते हुए कृषि निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने और किसानों की आय दोगुनी करने में मदद करेगा. तो उसके साथ साथ सहकारिता के क्षेत्र को भी काफ़ी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और हम लोग एक्सपोर्ट पर भी ध्यान दें. यह कार्यक्रम कृषि मंत्रालय और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, एपिडा, NHDC और ये सब लोग मिलकर इस आयोजन को कर रहे हैं. अभी तक देश भर के लगभग 150 से अधिक सहकारी संगठन इसमें भाग ले रहे हैं. सहकारिता के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन के लोग भाग ले रहे हैं और
35 कंट्रियां उनके प्रतिनिधिमंडल भी इस मेले में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस थाने युवाओं के लिए भर्ती अभियान चला रही है। सीमावर्ती सांबा में भर्ती रैली में हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय युवा राज्य की सुरक्षा के साथ साथ विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। राज्य में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति से खेती या पशुपालन को प्रोत्साहित करना जरूरी है। इस दिशा में तिरप जिले के नरोत्तम स्थित रामकृष्ण मिशन ने एक अनोखी पहल की है। विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के खान पान की जरूरतों को पूरा करने के लिए मछली पालन, गाय पालन, बागवानी के अलावा आधुनिक पद्धति से मुर्गी फार्म स्थापित किया गया है, जिससे कम खर्च में अंडे का अधिक उत्पादन मिल रहा है। वैज्ञानिक पद्धति से मुर्गी पालन से मुर्गियों को चारा, पानी और दवा आसानी से उपलब्ध हो जाता है और अंडे को एकत्र करना भी आसान है। ये कंप्लीट 100% साइंटिफिक कोयले है। ये हैदराबाद से लाके लाया था। इसका जो पानी है, ऑटोमेटिक पानी सिस्टम है, इसमें जो पानी का वेस्टेज नहीं होता है, पानी जाता है नहीं गिरता है, इसीलिए इनका जो बीमारी कम होता है। और हम लोग जो लोकल करते हैं, लोकल का क्या करते हैं, अपना घर में रख देते हैं, बाहर में कर देते हैं, उसमें बीमारी ज़्यादा आता है। लोकल जो है, लोकल सीट में हार्डली 25 सीट देते हैं, मतलब अंदर रहता है, लेकिन ये तो अप टू 72 इंच तक अंदर रहता है। फील है इसमें वो लोग ऐसे टक्कर मारने से पानी आएगा, ये ऑटोमेटिक है। और पानी जब उनको चाहिए तब पीने ऊपर से जो उसका है वीट नीचे आ रहा है और ये जो वीट है ये नीचे आ रहा है और इसकी दूरी भी काफ़ी हो जा रही है, हाइट हो जा रही है, जिससे कि फंगस और जो भी बैक्टीरिया वगैरह ऊपर नहीं जा रही है और ये वीट जो है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में काम आ जाएगा। तो ये भी काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होता है इस वीट में। और ये पोल्ट्री में के साथ तो जो हमारा यहाँ आता है, ये मछली पालन में भी इस वीट को हम यूज कर सकते हैं, मछली खाने में काफ़ी इससे यूज होता है। विजयदशमी और दशहरे का पर्व आज पारंपरिक हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ये दिन अहंकार की पराजय तथा बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। 9 दिन के नवरात्र अनुष्ठान में शक्ति उपासना के बाद भगवान राम ने विजयदशमी पर रावण का वध किया था। इसके प्रतीक स्वरूप विभिन्न भागों में आज शाम रावण दहन का कार्यक्रम पारंपरिक आस्था और विश्वास के साथ संपन्न होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विजयदशमी के उपलक्ष्य में बधाई दी है। कल्पना कर सकता है, अयोध्या से पहने हुए वस्त्र पहन करके निकले हुए प्रभु राम पूरे रास्ते चलते चलते संगठन शक्ति का इतना बड़ा कौशल्य बता देते हैं कि श्रीलंका विजय में समाज के हर तबके के व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए। नर भी जुड़े, वानर भी जुड़े, प्रकृति भी ने उनको साथ दिया। लोक संग्रह की कितनी बड़ी अद्भुत शक्ति होगी तब प्रभु रामचंद्र जी ने इतने बड़े सामर्थ्य को अपने साथ जोड़ा होगा। और विजय प्राप्त करने के बाद भी उसी नम्रता के साथ जन समाज को अपने आप को आहूत करने में लगे रहे। ऐसे उत्सवों से कुछ कर गुजरने का संकल्प बनना चाहिए। ऐसे आज विजयादशमी के पर्व पर आजकल के इस भागदौड़ भरे युग में अनियमित जीवन शैली के चलते जो बीमारी सर्वाधिक लोगों को अपने गिरफ्त में ले रही है वो है मधुमेह। मधुमेह को धीमी मौत भी कहा जाता है। इस बीमारी का जो सबसे बुरा पक्ष है वो ये है कि ये शरीर में अन्य कई बीमारियों को भी निमंत्रण देती है। मधुमेह रोगियों को आंखों में दिक्कत, किडनी और लीवर की बीमारी और पैरों में दिक्कत होना आम है। पहले ये बीमारी 40 की उम्र के बाद ही होती थी, लेकिन आजकल बच्चों में भी इसका मिलना चिंता का एक बड़ा कारण हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट। टाइप 2 डायबिटीज जीवन शैली से संबंधित रोग है जिसका खतरा लगभग सभी में बढ़ रहा है। इसका कारण है हमारा असंतुलित खान पान और अनियंत्रित जीवन शैली। मधुमेह जो है एक बीमारी है जिसमें कि शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। नॉर्मल ब्लड शुगर जो है फास्टिंग स्टेज पे, यानी कि भूखे अवस्था में, जो पिछले 8-10 घंटे से भूखे हैं, उनमें 100 होता है।
और अगर खाना खाने के दो घंटे बाद ये चेक किया जाए, मेज़र किया जाए, तो ये 140 होता है। लेकिन इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं डायबिटीज़ की, जिसको कि हम लोग इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंसी भी कहते हैं। और ये तीनों ही स्टेज, मतलब कि इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस एंड फ्रैंक डायबिटीज के अपने अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं। मधुमेह होने पर जीवन शैली में बदलाव से मधुमेह के दुष्प्रभाव। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।